कटक रे उभय लोकसभा आउ विधानसभा आसन पई प्रार्थी भरिछंती नामांकन पत्र कटक लोकसभा आसन पई कटक जिलापालक कार्यालय रे बीजेपी प्रार्थी भर्तुहरि महताब आउ तांको समर्थकों सह आज नामांकन पत्र दाखल करछंती। पूर्वर छ थर नोमिनेशन मध्य एभली भाव रे हिचे प्रजातंत्र कार्यालय रो बाहर कचेरी मात्र 500 मीटर दूर रे से हिसाब रे अछि भलो ढंग रे आज प्रार्थी पत्र दाखल हिचे ये अयम आरंभ मात्र मु केवल प्रतिद्वंदी मानको एतिके कहिदेबी दीप लिभिला बेले बहुत जोर जले तार प्रतिध्वनि आज आम बंध उपरे देखि बीजेपी पूर्ण मात्रा रे प्रस्तुत अछि एवं एथर निर्वाचन रे निश्चित भाव रे विजय लाभ करिवो। सेहिपरि बीजेडी पक्षरु लोकसभा प्रार्थी भाबे संतृप्त मिश्र विशाल शोभायात्रा रे समर्थकों सह आसि जिलापाल कार्यालय रे जिलापाल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी निकट रे दाखल करछन्ति नामांकन। कटक जिला निर्वाचन मंडली रे 9 विधानसभा एवं 3 लोकसभा अंतर्भुक्त तेबे जिले रे 21,41,904 मतदाता अछन्ति सेमानक मध्यरे महिला भोटरक संख्या 10,41,619 थिबा बेले पुरुष भोटरक संख्या 11,21,000 रहिछि तेबे 35,218 जण नुआ भोटर एथर प्रथम थर लागि भोट देबे। जिलार प्रथम पर्याय रे गोटिए लोकसभा एवं 7 विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। आज मध्य आमर दलर कर्मी माने नेतृत्व समस्त एकाठी हे बहुत जोर रे प्रचार कर लड़ई लड़ई सत्य एवं तथ्य वर्षत मिथ्या एवं प्रतारणार शोभायात्रा होची आमर प्रार्थी दलर नेतृवृंद कर्मी आपण शुभेच्छु बंधु समस्त स्वतप्रत जो स्नेह अच्छे तार गोटे चिन्ह तेणु ए भोटर को प्रभावित करना किसी घटना ना भोटर मैंने देखा पाते सब प्रार्थी समय जी अनेक शुभेच्छु अच्छा अनेक प्रकार लोक अच्छा तार प्रार्थी समाज विभिन्न वर्ग लोक एक्सेप्टेबल। अन्यपटे बारबाटी कटक विधानसभा आसन पर कांग्रेस दल पक्षर् सोफिया फिरदोस समर्थकों सह शोभायात्रा रे आसी उपजिलापालक कार्यालय रे निज नामांकन पत्र दाखल करछन्ति। आज हम महत्वपूर्ण दिन बहुत बड़ दिन पूरा आम कटकवासी समस्त सब गुरुजन मैंने सब बुद्धिजीवी मैंने पूरा कटक परिवार को हृदय धन्यवाद जनईबी कि मत सुजोग मिलला आज मुसिक नॉमिनेशन नामांकन पत्र बहुत पॉजिटिव अच्छी जेहेतु बापा विधायक मोहम्मद मकीम जहाँ कार्यक्रम करष धरी ता पूर्व तो कटकवासी मैंने भल भाव जानते आमर रिपोर्ट कार्ड घर घर को आम पहुँचाऊ तो आमर विश्वास अच्छी कि कटकवासी मैंने बहुत भाई कि ये प्रार्थी को आउ थे निर्वाचित करेंगे जे तागे रही आगक भी रे जार घर सदावे खोला अच्छे। कटक सहर विभिन्न वार्ड्रु कांग्रेस शोभायात्रा आसी उपजिलापालक कार्यालय निकट में पहुंचला तेरे नामांकन पत्र दाखल बेले विधायक इंजीनियर मोहम्मद मुकीम गिरीबाला बेहरा समेत अनेक कर्मी उपस्थित थे एपटे विधायक सौभिक विश्वाल से समर्थकों धरी उपजिलापाल कार्यालय निकट में चौदवार कटक आसन लगे बीजेडी पक्ष नामांकन पत्र दाखल कर आशा भी करूँ आज चौदवार कटक मोर बड़ परिवार मोर पूज्य गुरुजन मैंने मोर माँ मैंने मोर बड़ भाई बड़ भौणी मोर दादा खुड़ी मामू माई आज समस्ते एकत्रित एकाठी आम सांगे नामांकन पत्र दाखल करने आसिले जो भाई भाव में भल पाइबा स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद मिलू ताबे जीवन में शेष निश्वास पर्यंत भूली हेबना गोटे कथा स्पष्ट करने चाहे ये जनमत ये जनसमर्थन आज नुह मानवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सपक्ष में विगत दिन मानक आज अच्छी आगामी दिन में निश्चिंत रही आम विश्वास। चौदार कटक बीजेपी प्रार्थी नयन किशोर महांती समर्थकों को नहीं शोभायात्रा आसी उपजिला निकट में नामांकन पत्र दाखल करता बेले अनेपटे कांग्रेस प्रतिपक्ष चौदार कटक विधायिका प्रार्थी मीरा मल्लिक उपजिलापालों निकट में नामांकन पत्र दाखल करते प्रचार लोक आमपाई प्रचार आरंभ करदे कारण लोक चाहिए परिवर्तन एवं जो भली भाव में कटक चौदवार को गोटे कणठेसा कर दि जाइार केमी समाधान हम से लोक जाणी सारे कांग्रेस एकमात्र विकल्प एवं मत बहुत प्रचुर मात्रा भलपाइबा आशीर्वाद समर्थन देखते मुझे बहुत बहुत ऋणी
ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଟକ ସଦର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ସଦର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁର ଜବାବ ଜନତା ରଖିବେ, ମୁଁ କହିବାଟା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ, ତେଣୁକରି ମୋ ଏହାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖୁଛି। 2036 କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁନାର କଟକ ସଦର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକି, ପ୍ରଗତିଶୀଳ କଟକ ସଦର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଆମର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶା ଅଛି। ତେବେ ଏଥର ରୋଚକ ହେବ କଟକର ଲଢ଼େଇ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ କହୁଛି June 4 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।